ये है 11 KB कंज्यूमर मीटर, जिसकी ऑटो मोड में रीडिंग लेना। रीडिंग कैसे लिया जाता है ये देखते हैं। मीटर नंबर है UPU 27806। वैसे इस मीटर का RTC फेल है, जिसकी वजह से डेट और टाइम भिन्न आ रहा है। आज की डेट जो है, आज टाइम दिखा रहा है 9:31:51, जबकि घड़ी में जो टाइमिंग है वो 2:45 का है। और डेट मंडे का दिन दिखा रहा है 1/9/97, जबकि आज है थर्सडे, थर्सडे 24 डेट है। ये इसकी रीडिंग है KWH की। ये इसका KVRH है लैग का। ये KVRH लीड का है। ये KVH है 67/92:20.4, जिस पे बिलिंग होती है HB कंज्यूमरों की। ये इसकी TOD रीडिंग है। क्योंकि ये मीटर, इस मीटर की RTC फेल है, तो ये मीटर उतार कर आया हुआ है। और इसकी ये 1 से लेकर 8 TOD KWH की आएगी, उसके बाद KVH की आएगी। ये 7 नंबर TOD है। अब 8 नंबर आने वाली है, उसके बाद KVH की TOD शुरू होगी। ये KVH की फर्स्ट TOD रीडिंग है। R1 KVH की है। इस तरह से R8 तक आएगी ये। क्योंकि ये मीटर काफी दिनों से बंद था, इसलिए इसमें नो डाटा है UC का। जो करंट मंथ की डिमांड होती है उसका कोई डाटा नहीं आया है। ये इसकी CMD है KVA की। जब से मीटर लगाया तब से अब तक की ये CMD है। पर मंथ जो मैक्सिमम डिमांड उठता है वो कम्युलेट होता जाता है। ये 60 महीने मीटर जो है लाइन पे चल चुका है। ये PF अभी हम इसको सीरीज में लगा करके सप्लाई से जोड़े हैं। PF Unity 1 दिखा रहा है। इस पे कोई लोड नहीं है, हम दिखाना चाहेंगे इधर से। ये टेबल पे रखे हुए हैं। ये है फ्रीक्वेंसी। ये इसका वोल्टेज है RN। क्योंकि सप्लाई से नहीं जुड़ा है इसलिए वोल्टेज जो है प्रॉपर नहीं दिखेगा। ये 11 KV लाइन पे होता तो 6 पॉइंट समथिंग प्रत्येक फेस में दिखता। ये करंट है आर फेस, वाई फेस की करंट, बी फेस की करंट। दोस्तों यही सब जनरली पैरामीटर्स होते हैं जो मीटर में जनरली यूज़ में लिए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बताना था, इस मीटर में इसको बदलने का मेन रीज़न जो था, इस मीटर में जो ये टाइम दिखा रहा है 9:38 दिखा रहा है, जबकि आज का एक्चुअल टाइम जो है मैं दिखाना चाहूँगा।
तीन बजने में 10 मिनट बाकी हैं और आज की जो डेट है वो 24 मार्च 2022 है, जबकि इस मीटर में जो डेट दिखा रही है वो है 1/9/1997 दिखाना चाहूँगा, जो कि सही नहीं है। धन्यवाद।